पीएफआई टेरर फंडिंग, सीए विरोध, दिल्ली दंगों में हिंसा भड़काने जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल पाया गया है, ईडी ने यह जानकारी दी। निश्चित रूप से उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो देश में दंगा फैलाना चाहता हो, जो देश में टेरर फैलाना चाहता हो, वैसे लोगों पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार इतिहास से सबक नहीं ले रही है। सरकार 1979 की तरह ही गलती कर रही है। 1979 में भी राजनीतिक आउटलेट बंद कर दिया गया था और घाटी के राजनेताओं को बोलने की अनुमति नहीं थी। वे वही गलती कर रहे हैं। 1987 में चुनाव में धांधली हुई थी और इसका परिणाम 1979 में देखा गया था। वे कश्मीरी पंडितों को चुनावी मुद्दे के रूप में देखते हैं, न कि इंसानों के रूप में। वे स्थानीय राजनेताओं को बोलने नहीं देते हैं। ऐसी चीजें आतंकवाद को रास्ता दे रही है, ये असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है पंडितों की हत्या को लेकर। इनका तो ओवैसी को तो उनको बैठा देना चाहिए। इस देश के पंडित हैं ये, जो कहें भारत का संविधान वैसा ही चले। जो स्थानीय लोग बोलते रहे हैं तो वहां क्या रहा है? तब भी तो वहां आतंकवाद का खेती होते रहा है। निश्चित रूप से वैसे आवाजों को बंद कर देना चाहिए जो देश के खिलाफ उठता हो और सोचता हो, वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। बैंक मैनेजर, टीचर और कई मासूम लोग रोज मारे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। जिनको इनकी सुरक्षा करनी है उनको फिल्म के प्रमोशन से फुर्सत नहीं है। भाजपा ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया है। कश्मीर में अमन कायम करने के लिए तुरंत कदम उठाइए प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी ने ये ट्वीट करके। राहुल गांधी जी तो लंबे समय तक कश्मीर को चलाए हैं, स्पेशल स्टेटस दिए हुए थे, अलग से दर्जा दिए हुए थे। अब कश्मीर के लिए उनको बड़ा चिंता हो गया है जब भारतीय जनता पार्टी ने वहां से एक झंडा एक देश की बात किया, तो उनको बहुत कठिनाई हो गई है। और राहुल गांधी जी के बातों को देश के नागरिक कोई बहुत सीरियसली लेता नहीं है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक की टिप्पणी के बाद बवाल मच गया है, जिसमें उसने कहा है कि नेहरू जिन्ना ने देश को बांटकर समझदारी का काम किया से काम लिया। नहीं, ये अपना अपना विचार हो सकता है। परिस्थितियां कल का कुछ था, आज का कुछ है। ये इतिहास में जाने से बेहतर वर्तमान को दुरुस्त करना है और वर्तमान जो बचा हुआ है उस पर सख्त से सख्त विचार रखते हुए अपने संस्कृति को आगे बढ़ाना है। ये पुराने इतिहासों में बहुत उलझने पर वर्तमान छूट जाएगा। कर्नाटक में हिजाब विवाद फिर से आ गया है। छह लड़कियां बर्खास्त की गई हैं स्कूल से और निलंबित की गई हैं। वहीं 12 हिजाब पहनने पर उन्हें वापस घर भेज दिया गया है। ठीक किया है। हिजाब और तिजाब क्या होता है? जो स्कूल का इन्फॉर्म है, जो कॉलेज का इन्फॉर्म है, वो कीजिएगा कि आपके और अलग अलग यहाँ दुनिया में 12,000 धर्म है, तो 12,000 धर्मों को फॉलो करेगा शिक्षण संस्थान या अपना जो उनका इन्फॉर्म जो है वो काम करेगा, उनका जो कानून है इंस्टीट्यूशन का वो काम करेगा। ये हिजाब और तिजाब क्या होता है? ठीक किया है। बिहार मंत्रिपरिषद ने जातीय आधारित गणना को अनुमति दे दी है। इसके लिए बजाते 500 करोड़ का फंड भी रिलीज कर दिया गया है और जो फरवरी 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है, जब होना ही है तो फरवरी 2023 तक हो ही जाना है। और पहले हो तो और पहले कर देना चाहिए, इसमें अब देर क्यों? जब सरकार चाहती है, सरकार कर रही है, तो इसको कर ही देना चाहिए। और लोकतंत्र चलाने के लिए 500 करोड़ नहीं 5,000 करोड़ भी खर्च हो तो कोई बड़ी बात नहीं है।